हाय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको गोल्ड सीरम बनाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि वीडियो की शुरुआत करते हैं कि सीरम हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको गोल्ड लीफ की जरूरत होगी, जो कि इस तरह से दिखाई देती है। और ये आपको गोल्ड लीफ कहीं भी आप परचेज कर सकते हैं, या तो इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। हमने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया, आप चाहे तो इसे वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको बीट जेम्स ऑयल की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे स्किन के लिए और एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर आपको आलमंड ऑयल की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये भी हमारे स्किन और एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हम सभी को मालूम है। फिर उसके बाद ये ग्रेप सीड ऑयल, ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये है अर्गन ऑयल, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप मसाज करें, जो भी हमारी फाइन लाइन है या रिंकल्स है, ये उसको भी करेक्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आप ये जितने सारे ऑयल्स हमने बताए हैं आप सेम टू सेम वही यूज़ करें, आप उसके जगह कुछ अलग भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास लेवेंडर ऑयल है या टी ट्री ऑयल है, लेकिन हाँ, आलमंड ऑयल आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आलमंड ऑयल उसका बेस है और वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप ऑरेंज ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, हमने भी उसे ऑरेंज ऑयल को भी हम यूज़ करेंगे, जो कि हमने घर पर बनाया और उसे बनाने का तरीका भी हमने वीडियो में बताया, चाहे तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं बनाने का तरीका। तो आप सबसे पहले आपको एक एम्प्टी बाउल लेना है, ये आलमंड ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें दो टीस्पून डाला है, और अब हम बीट जेम्स ऑयल भी दो चम्मच इसमें डालेंगे। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी घटा और बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमने दो चम्मच डाला है तो अभी दो चम्मच ही यूज़ करें। इसमें ऑरेंज ऑयल डाल लें, जो कि हमने घर पर बनाया था। और ये अर्गन ऑयल हम इसमें डाल लें, इसे भी हम दो चम्मच यूज़ कर रहे हैं। अब ये ग्रेप सीड ऑयल, आप इसके पास अगर ग्रेप सीड ऑयल नहीं है तो आप इसके जगह रोहिप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या एवोकाडो ऑयल है, जो भी है। मतलब ऐसा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ऑयल नहीं है तो हम ये फेस सीरम नहीं बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। थोड़ा बस आपको ध्यान रखना है कि बादाम का और थोड़ा जैतून का है, ये आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि हम सारे ऑयल्स हमने इसमें डाल दिए हैं। तो हम इसमें ये गोल्ड लीफ डालेंगे। आप इसे हाथ से नहीं, इस तरह से इनसे उठा के आप इसके अंदर इसे डालें, इस तरह से। इसमें इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। लास्ट में हम इसमें स्मेल के लिए लेवेंडर ऑयल थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि इसकी स्मेल थोड़ी अच्छी लगे। आप चाहें तो डालें या ना डालें, आप सुने लें। 4-5 ग्राम हमने इसमें ऐड किया है। अब हमारा ये सीरम बनकर तैयार है, लगाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसे ये एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। आपके पास जो भी सीरम की बॉटल है या कोई कंटेनर है, आप उसमें इसमें भर कर स्टोर कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी ख़राब होने वाला इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आप इसे कितनी भी महीनों कितने दिनों भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी फंक्शन या कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है, आपको कुछ नुकसान नहीं है। तो अब हम आपको इसको लगाकर दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पार्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन ये जब हम इसे मसाज कर रहे हैं तो देखिए ये फौरन एब्जॉर्ब हो जा रहा है इस तरह से। इसी तरह आप इसे जब फेस पे मसाज करेंगे तो ये आपके फेस में फौरन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये सीरम आपके लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे हर मौसम में यूज़ करें, आपके बिगनर्स हैं तो आपके फाइन लाइंस है, झुर्रियाँ हैं जैसे, और दाग धब्बे स्पॉट, ये सभी को हटाने में आपकी बहुत ही स्किन की हेल्प करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्मूथ
और शाइनी बनाएगा। और जैसे हमने पहले भी बोला कि सोना है एवरग्रीन है, तो इसी तरह ही आपकी स्किन के लिए भी एवरग्रीन सीरम है। आप इसे कभी भी कहीं भी किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को दिन पे दिन यंग और सुंदर बनाता जाएगा। और आपकी स्किन को आप देखेंगे, खुद फर्क महसूस करेंगे कि हाँ कितना है। एक बार आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ इसने तेल और इसने वो, लेकिन आप एक बार ये बनाएंगे तो आपको बाहर के उससे थोड़ा बहुत ही सस्ता पड़ेगा, आपकी बजट में ही आएगा और इसके फ़ायदे भी बहुत ही हैं। तो आप इस गोल्ड सीरम को ज़रूर यूज़ करें और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय बाय ब्यूटीज़।